देखो भैया, ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है तो यहाँ पर आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी ही, और उसका एडवर्टाइजमेंट आपको ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि आप उस टेक्नोलॉजी को अगर परचेस नहीं करते हैं तो आपका जिंदगी जो है वो पूरी तरह से अधूरा है। तो मेरी सलाह एक भाई के जैसे यही रहेगी कि जब तक आपको उस नई टेक्नोलॉजी की नीड ना हो, जरूरत ना हो, तब तक आप उस टेक्नोलॉजी को परचेस ना करें, अपने पैसे को बर्बाद ना करें, क्योंकि पैसा है तो दुनिया बोलेगी बाबू कैसा है। तो उस पैसे को बचाए रखें, और अगर आपको उस पैसे को कहीं लगाना ही है तो उस पैसे को शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या फिर गोल्ड या सिल्वर लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक नए सॉफ्टवेयर का प्रमोशन करूँगा जैसे कि आप स्टॉक जीरोधा या फिर ग्रो ऐप। तो दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर कोई भी ऐप का प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको एक भाई के जैसे समझाने वाला हूँ कि नई टेक्नोलॉजी डे बाई डे आती रहेगी। तो मैं भी यहाँ पर ऐसा ही करता हूँ। मेरा जो स्मार्टफोन है वो 1.5 साल पुराना हो चुका है, बट मैं यहाँ पर अभी तक नए स्मार्टफोन परचेस की सोचा भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जब तक ले आपको एक नए स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट ना हो, आप प्लीज़ नया स्मार्टफोन परचेस ना करें, क्योंकि जो स्मार्टफोन कंपनीज है वो आपको नए नए तरह की ऐड दिखाएगी और दिखाएगी कि ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बेहतर है पिछले वर्जन से, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको नए स्मार्टफोन परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ नया स्मार्टफोन परचेस ना करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड होती रहेगी, और आप जब भी नया स्मार्टफोन लेंगे उसके जस्ट 1 से 2 महीने बाद आपको अपना स्मार्टफोन जो है वो बहुत ओल्ड लगेगा कि ये फ़ोन जो है बहुत ही पुराना हो गया है, इससे भी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो तब तक आपको नए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ना हो, मेरे ख्याल से आपको नया स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी Xiaomi चाइना में जो Redmi Note 9 Pro 5G एडिशन को लॉन्च किया था, जो कि बजट प्राइसिंग के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर करती है, उसी स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में Mi 10i के नाम से लॉन्च करने वाला है, जहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 750 का पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, एज ऑलवेज प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस डिवाइस की परफॉर्मेंस से। तो इस डिवाइस के अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 750G का पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बेहतरीन है। तो परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और उसके साथ ही यहाँ पर बैटरी में आपको 4820 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है। चार्जिंग में आपको 33W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 और MIUI 12 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। बात करें अगर बैक साइड के डिजाइन और कैमरास के बारे में, तो बैक साइड के अंदर आपको क्वेड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल्स के कैमरे को सपोर्ट करता है। साथ ही में आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल्स का 2 मेगापिक्सल्स का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में। तो फ्रंट साइड के अंदर आपको 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस का IPS LCD पैनल 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हमें सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल्स का एक पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही में दोस्तों अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट हमें इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलता है, और उसके साथ ही आपको P2i की कोटिंग भी देखने को मिल जाती है। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो इस डिवाइस का बेस वेरिएंट बताया जा रहा है कि आपको 20,000 रुपये के ऊपर ही देखने को मिलेगा, और 25,000 रुपये के बीच में आपको इस डिवाइस का बेस वेरिएंट देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें दोस्तों इस डिवाइस की लॉन्च डेट के बारे में, तो 5 जनवरी को इंडिया के अंदर इस डिवाइस को लॉन्च किया जाएगा। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इस डिवाइस को लेंगे या फिर नहीं लेंगे। सो फाइनली मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर की थी, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सो फाइनली हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।